पुस्तकें वो गुच्छ है जो जीवन पर्यंत हमारे जीवन को दिशा देती है। न्यास परंपरा के अनुसार हम सबसे पहले पुस्तकों एवं शॉल के साथ अपने अतिथियों का स्वागत करेंगे। हम अनुरोध करते हैं न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर गोविंद प्रसाद शर्मा जी से कि वे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षा एवं भाषा संस्कृति मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी का स्वागत करें। अभिनंदन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। ये परंपरा और ये संवाद और ये प्रेम पुस्तकें यूं ही हम एक दूसरे को देते रहें और ये अनवरत चलता रहे। अब मेरा आग्रह रहेगा मुख्य अतिथि श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी से कि वे अध्यक्ष राष्ट्रीय पुस्तक न्यास प्रोफेसर गोविंद प्रसाद शर्मा जी का अभिनंदन करें। आपका जीवन यूं ही फूलों से महकता रहे, गुलजार रहे। अब मेरा आग्रह रहेगा हमारे मुख्य अतिथि से कि वे श्री युवराज मलिक निदेशक राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का अभिनंदन करें। अमृत महोत्सव के यज्ञ में समर्पित नव ऊर्जा और प्राण गूंजे सदा संस्कृति का गान। हिमालय की चोटी से ऊंचा तेरा वैभव तेरी शान। अब उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अध्यक्ष प्रोफेसर गोविंद प्रकाश शर्मा जी को कि वो आए मंच पर। मुख्य अतिथि माननीय गोविंद सिंह जी ठाकुर, शिक्षा एवं भाषा संस्कृति मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय के आर भारती, जो यहाँ के ही नहीं पूरे देश के प्रसिद्ध वरिष्ठ साहित्यकार हैं, लेखक हैं। सम्मानित अतिथि श्री राकेश जी कमल, जो हिमाचल प्रदेश के भाषा एवं संस्कृति सचिव हैं। ट्रस्ट के डायरेक्टर माननीय युवराज जी मलिक, जिनके नेतृत्व में और देख रेख में यह पूरा भव्य कार्यक्रम और पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। उपस्थित श्रेष्ठ और ज्येष्ठ साहित्यकार बंधुओं और इस हॉल के अंदर जिनकी उपस्थिति से इस हॉल के और कार्यक्रम की शोभा सचमुच में बढ़ रही है, ऐसे मेरे प्रिय छात्र छात्रों, सबसे पहले तो मैं इस पुस्तक मेले में आप सभी लोगों की उपस्थिति के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आपका सबका स्वागत और सम्मान करता हूं। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास पुस्तक संस्कृति के विकास के लिए कार्यरत है। ये शिक्षा विभाग भारत सरकार की स्वायत्त संस्था है, जो देश के अंदर पुस्तक संस्कृति के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और भारत की पुस्तक संस्कृति को विश्व के अंदर आयोजित होने वाले विभिन्न पुस्तक मेलों के अंदर प्रतिनिधित्व करती है।
इस दृष्टि से अभी तक लगभग 20 या 25 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय विदेशों के अंदर आयोजित पुस्तक मेलों में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास प्रतिनिधित्व कर चुका है। ये कहने को तो पुस्तक मेला है, मैंने आप यहां पर विभिन्न प्रकार का साहित्य, लगभग 65 से अधिक प्रकाशक और पुस्तक विक्रेताओं की दुकानों पर जाकर के अपनी रुचि का कोई भी साहित्य खरीद सकते हैं। इसका उद्देश्य केवल एक माहौल बनाना है और आप सबके अंदर पुस्तकों को पढ़ने का, उनको संभाल के रखने का। तो पुस्तकें आपके द्वार पर हैं। मुझे लगता है 65 प्रकाशकों की लाखों की तादाद में शीर्षकों वाली पुस्तकें, जिसमें सभी विधाओं की हैं, सभी विधाएं हैं, आप अपनी रुचि की पुस्तक वहां से प्राप्त कर सकेंगे। पुस्तक न्यास ने लोक संस्कृति से लेकर, लोक कला से लेकर के और आधुनिकतम ज्ञान से संबंधित जितने भी विषय हैं, उन सभी में पुस्तकों का प्रकाशन किया है। भारत की 22 भाषाओं में और एक अंग्रेजी इंग्लिश मिलाकर के 23 भाषाओं के अंदर राष्ट्रीय पुस्तक न्यास पुस्तकों का प्रकाशन करता है। हमारा उद्देश्य नए लेखकों को प्रोत्साहित करने का है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव के अवसर पर आह्वान किया था कि ऐसे लेखक सामने आने चाहिए जो घूले बिसरे राष्ट्र नायकों का, उनके बलिदानों का, उनकी त्याग का, उनकी तपस्या का और मातृभूमि के लिए जो उन्होंने सर्वस्व समर्पण किया, उस भाव को सामने लाए। इस दृष्टि से मित्रों, 75 लेखकों का जिनकी आयु 18 से और 35 वर्ष के बीच में है, सभी भाषाओं के अंदर, भारत के 22 और 23 भाषाओं के अंदर 75 लेखकों का एक निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा चयन किया गया। और मुझे यह कहते हुए बड़ा हर्ष है, उनको स्कॉलरशिप भी दी गई कि अगस्त तक, 15 अगस्त तक ये पुस्तकें देश के सामने आ जाएंगी। इससे युवा लेखकों को प्रोत्साहन तो मिलेगी, लेकिन भूले बिखरे जो राष्ट्र नायकों देश के अंदर, जिनको लोग याद नहीं कर पाते हैं, उनका चरित्र, उनका बलिदान, उनका जीवन, उनका त्याग, उनका समर्पण हम लोगों के सामने आएगा, जिससे कि हम प्रेरणा ले सकेंगे। मैं इस अवसर पर अधिक तो नहीं कहना चाहता, लेकिन एक बार पुनः माननीय मंत्री जी का, माननीय सचिव महोदय का और आदरणीय भारती जी का, जो इस अवसर पर हमारे निवेदन को स्वीकार करके उपस्थित हैं, और आप सभी लोगों का एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। तुम स्वामी विवेकानंद की संतान हो, जीवन पथ पर जो रहे अग्रसर, ऐसे अखंड ज्योत से दीप्यमान हो। हमारे मध्य मौजूद हैं वरिष्ठ लेखक श्री के आर भारती जी, जो एक चलते फिरते पुस्तकालय हैं और ज्ञान का अथाह सागर होता है लेखक, और उनसे उनके विचार साझा करना चाहेंगे। धन्यवाद। ट्रस्ट के चेयरमैन प्रोफेसर गोविंद शर्मा जी, साक्षात के दिनों में बड़ी कविताएं बनी, बहुत सारे लोगों ने किताबों के महत्व पर
लिखा। इसे कविता सफदर हाशमी ने भी लिखी थी जो मैं आपको सुना देता हूँ। छोटी सी कविता है किताबों का महत्व दिखाते हुए। किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गम की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियां लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। संस्मरण याद आया मुझे कि उनके ड्राइवर कहते हैं कि कलाम कभी अपनी गाड़ी 20 से ज्यादा स्पीड पे नहीं चलाने देते थे। वजह क्या? कि उनके हाथ में किताब होती थी और वो नहीं चाहते थे कि उसमें उसके पाठन में कोई भी अड़चन आए। तो वैसे ही अध्यक्ष महोदय स्वामी विवेकानंद की बात कर रहे थे तो वो भी इतने वॉरेशियस रीडर थे कि उनकी स्मरण शक्ति भी इतनी अधिक थी कि जो किताब पढ़ते थे उसका पृष्ठ और सब कुछ उसका शब्द शब्द उन्हें याद रहता था। तो एक पाठक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी से मुझे हमारे जो सम्माननीय अतिथि है सचिव भाषा संस्कृति राकेश कंवर जी के बारे में जब भी चर्चा होती है तो उनके साहित्य प्रेम की चर्चा होती है। तो वो ऐसे इंसान हैं जो कि साहित्य के समंदर से छिपे हुए मोती भी निकाल के ले आए। तो जैसे ही वो यहाँ पर आए तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर आपके सामने पूरी ज्ञान की आभा और किरणें बिखर जाएगी। धन्यवाद सर, स्वागत है आपका। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा भाषा एवं संस्कृति मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूं विभाग की ओर से कि वे आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। मैं आपकी सबकी ओर से और हिमाचल प्रदेश की ओर से प्रोफेसर गोविंद प्रसाद शर्मा जी का धन्यवाद करता हूं जो कि चेयरमैन हैं नेशनल बुक ट्रस्ट के, जिन्होंने इस पुस्तक मेले को यहां हिमाचल में आयोजित करने के लिए अपनी स्वीकृति दी। और श्री युवराज मल्लिक जी का विशेष रूप से आभार क्योंकि वो डायरेक्टर हैं एनबीटी के। जब मेरी इनसे बात हुई थी तो इन्होंने कहा था कि हम एक राष्ट्रीय स्तर का पुस्तक मेला शिमला में आयोजित करेंगे और ना सिर्फ इस साल करेंगे बल्कि हर साल शिमला में एक बड़ा पुस्तक मेला हम आयोजित करेंगे। हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और शिमला में इस पुस्तक मेले को आप आयोजित कर रहे हैं, मैं आपका आभारी हूं। मंच पर उपस्थित श्री के आर भारती जी जो हिमाचल प्रदेश के लेखक भी हैं, हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी रहे हैं, इनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मैं केवल दो चीज़ें आपसे कहना चाहता हूं, विशेष रूप से जो अध्यापक और बच्चे यहां पर शामिल हैं इस कार्यक्रम में। आज से लेकर 25 तारीख से 3 जुलाई तक ये मेला चलेगा और एक तो ये मेला ही है, इसको मेले की तरह आप घूमें, अलग अलग किताबों के स्टॉल्स के ऊपर जाएं, किताबें देखें, पढ़ें, खरीदें, अपने माता पिता को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, जो लोग आज नहीं आए हैं उनको भी बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पुस्तक मेले में शामिल हों। और आप लोग जो आपको किताब, जैसा कहा गोविंद प्रसाद शर्मा जी ने, कि जो अच्छी लगती है उसको खरीदें, उसको पढ़ें। अब यह आदत बच्चों में या तो खुद से आ सकती है या उनके माता पिता ला सकते हैं या उनके अध्यापक ला सकते हैं कि वो पढ़ने की तरफ आगे बढ़ें। आपके साथ जो आपके टीचर्स आए हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, अपने स्कूल के सभी बच्चों को कहें कि वो रोज़ के रोज़ यहाँ अलग अलग कक्षाओं के बच्चे आएं और इस मेले में शामिल हों। और घर जाकर भी आप अपने आसपास अपने घर में सबको बताएं कि इस तरह का पुस्तक मेला जो है वो शिमला में 3 जुलाई तक होगा
तो मुझे उम्मीद है कि हजारों की संख्या में आप लोग अपने सभी स्कूलों से आकर यहाँ जरूर शामिल होंगे। ये आदत अब थोड़ी कम होती जा रही है कि हम अपनी कोर्स की किताबों के अलावा, टेक्स्ट बुक के अलावा कुछ और पढ़ें, लेकिन मैं ये दावे से आपको कह सकता हूँ कि अगर आप कोर्स की किताबों के अलावा कुछ पढ़ेंगे तो आप अपने कोर्स में भी अच्छा करेंगे, आप अपने इम्तिहान में भी अच्छा करेंगे, और आगे चलकर जिंदगी में आपको जो आपने कोर्स की सिलेबस की किताबें या टेक्स्ट बुक की किताबें जो पढ़ी होंगी वो तो काम आएंगी ही, लेकिन जो आपने उसके अलावा पढ़ा होगा वो आपके और भी ज़्यादा काम आएगा, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ। और इसलिए कोर्स की किताबों के अलावा कुछ और पढ़ने की आदत आप ज़रूर डालेंगे, और ये बड़ा अच्छा मौका है कि आपको देखने सुनने का अवसर मिलेगा कि किस तरह से देश भर की जो अच्छी किताबें हैं वो यहाँ लेकर राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट आया है। इसके अलावा चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट जो भारत सरकार का एक और ट्रस्ट है उसकी किताबें भी हैं, नेशनल जो पब्लिशर्स हैं वे भी हैं, एजुकेशनल पब्लिशर्स भी हैं, एनसीईआरटी का भी एक यहाँ पर स्टॉल है, उसमें एनसीईआरटी की किताबें भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन असल बात यही है कि इसको एक मेले की तरह आप घूमें और जो आपको पसंद आता है वो पढ़ने की, खरीदने की कोशिश करें। स्कूल की लाइब्रेरीज हैं, जो टीचर्स यहाँ पे मौजूद हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास जो स्कूल में ग्रांट रहती है, जो फंड्स रहते हैं, उसका इस्तेमाल करने का ये बहुत अच्छा मौका है कि आप अपने स्कूल के लिए, अपनी लाइब्रेरी के लिए और ज़्यादा किताबें, अच्छी किताबें खरीद सकते हैं। तो इन्हीं के साथ मैं आपका एक बार फिर धन्यवाद करता हूं, और जो स्कूल्स यहां शामिल हुए हैं आज के कार्यक्रम में, आपका, आपके टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शलभ बन जलना सरल है, प्रेम की जलती शिखा पर स्वयं को तिल तिल जला कर दीप बनना ही कठिन है, दीप बनना ही कठिन है। हम कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा एवं भाषा संस्कृति मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी से आग्रह करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं कि वे इस अवसर पर अपने विचार सभी के साथ साझा करें। शिमला पुस्तक मेला 2022 के शुभारंभ पर हमारे मध्य में उपस्थित राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर गोविंद प्रसाद शर्मा जी, और संयोग देखिए मेरा नाम भी गोविंद है और इनका नाम भी गोविंद है। अभी जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो इन्होंने एक बात मुझे बताई कि के कुमार कस्तूरी रंगन, क्या बच्चों ने नाम सुना है? ये के कुमार कस्तूरी रंगन एक वैज्ञानिक हैं और शिक्षाविद हैं जिन्होंने भारत की इस शताब्दी की न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 तैयार की है। और कुमार कस्तूरी रंगन जी की टीम में उनकी स्टीयरिंग कमेटी के एक सहयोगी, एक मेंबर के नाते प्रोफेसर गोविंद प्रसाद शर्मा जी हैं जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण काम किया है। और इनके साथ राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के डायरेक्टर कर्नल युवराज मलिक जी, हिमाचल प्रदेश सरकार में भाषा एवं संस्कृति विभाग के सचिव और अन्य भी कई विभागों के सचिव आप हैं, श्रीमान राकेश कंवर जी। मैं राकेश कंवर जी के बारे में एक बात बताना चाहूँगा कि शायद हम दोनों एक ही समय में पढ़े हैं, फर्क केवल मात्र इतना था कि मैं डीएवी स्कूल लक्कड़ बाजार में पढ़ता था और आप एसडी स्कूल
जो हमारा लोअर बाजार में है वहां पर पढ़ा करते थे, लेकिन अब तब से लेकर के पढ़ने वाले में पढ़ने वालों में से नहीं था। और हिमाचल प्रदेश में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी और बहुत सुप्रसिद्ध साहित्यकार और लेखक श्री के आर भारती जी, भाषा एवं संस्कृति विभाग के डायरेक्टर श्रीमान पंकज ललित जी और सभी लेखक, प्रकाशक, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार साथी और प्यारे बच्चों, कार्यक्रम में जाकर के मुझे ज्यादा जोश तब आता है जब बच्चे नजर आते हैं, क्योंकि बच्चों को देख करके मन बड़ा खुश होता है। हम कहते हैं कि बच्चे ईश्वर का रूप हैं, वो केवल कहने मात्र के लिए नहीं है, ये वास्तविकता है कि बच्चे ईश्वर का रूप हैं। और बच्चों के सुंदर चेहरे, दमकते चेहरे, मुस्कुराहट भरी हंसी देख करके बड़ा मजा आता है, क्योंकि जीवन के सबसे अच्छे दिन कहे जाते हैं कि जब हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, जब हमको बाकी दुनियादारी की कुछ नहीं पड़ी होती, हम अपने में मस्त सदा ऐसे ही रहते हैं। और हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे और बच्चियां पूरा जीवन भर ऐसा ही खुशी भरा जीवन जिए और हम बड़े मिल करके समाज जीवन में आपको ऐसा वातावरण तैयार करके दें तो हम ये सब करने की दिशा में बढ़ें। और आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि ज्ञान विश्व का सबसे बड़ा उपहार है। यदि आपने किसी को ज्ञान प्रदान किया है तो वह व्यक्ति उस ज्ञान के बल पर जीवन में सब कुछ प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। पुस्तकें इस ज्ञान का सबसे बड़ा भंडार है। और यदि आपको कोई कहे कि आपका फास्ट फ्रेंड कौन है, हाँ बहुत अच्छा, देखो बच्चों ने जवाब दे दिया कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त पुस्तक है। और इसलिए मुझसे पहले के वक्ताओं ने भी यही कहा, तो हम सब लोग एक बात को तय करें कि जीवन में पुस्तक से दोस्ती गांठेंगे और पुस्तक हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी। और इस प्रकार के कार्यक्रमों से निश्चित रूप से एक पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है। और कहते हैं कि ये पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं हैं और नेशनल बुक ट्रस्ट के माध्यम से 25 जून से लेकर के 3 जुलाई तक हजारों देव प्रतिमाएं पुस्तक के रूप में हम सबके मध्य में आएंगी, जिसकी मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और यहां पर राकेश कंवर जी ने कहा कि हमारे सभी टीचर्स और बच्चे अब 25 तारीख से लेकर के 3 जुलाई तक लगातार यहां पर आना प्रारंभ करें, और जितना आएंगे तो हजारों पुस्तकें देखने को मिलेंगी, जो पसंद आएगी खरीद लेना,
और अपना उनसे दोस्ती करने का जो वायदा है उसको पूरा करना। और मैं राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का धन्यवाद करता हूं, इस प्रकार का कार्यक्रम आपने यहां आयोजित किया है। अभी कुछ दिन पहले शिमला के गेटी थिएटर में एक कार्यक्रम हुआ, वो भी अपने आप एक अनोखा कार्यक्रम हुआ जो बड़ा सफल रहा, और उसके लिए मैं अपने विभाग के सचिव और निर्देशक को बधाई देता हूं। दुनिया भर के 425 लेखक, साहित्यकार, फिल्म जगत से जुड़े लोग, ऐसे लोगों ने भाग लिया, और उस कार्यक्रम में इस देश के गृह राज्य मंत्री और संस्कृति और भाषा कला मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी उसकी ओपनिंग में रहे। और जब मैं उस कार्यक्रम की ओपनिंग में गया तो जब सामने बैठी ऑडियंस में से कोई बता रहा था कि वो जो बैठे हैं ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में केंद्रीय मंत्री थे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे राम नाईक जी बैठे हैं, अनेकों बड़े बड़े लोगों के नाम जिनको हम फिल्मों में भी देखते हैं, जिनको हम किताबों में पढ़ते हैं, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। और फिर मंच पर एक स्वामी जी आए, बिल्कुल ब्लाइंड है, देख नहीं पाते, जब कहते 2 महीने के थे बचपन तब से वो देख नहीं सकते, पद्म विभूषण से सम्मानित, और उनका नाम रामानंदाचार्य और राम भद्राचार्य जी जगत गुरु के नाम से प्रसिद्ध है। तो उनके बारे में कहा गया कि वो इतने विद्वान हैं कि जब इस देश का एक बहुत बड़ा मामला जो सैकड़ों वर्ष से संघर्ष चल रहा था कि क्या अयोध्या की भूमि पर भगवान राम पैदा हुए या नहीं हुए, और उसके बाद जब ये मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा था तो सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि क्या कोई ये साक्ष्य ये तथ्य दे सकता है कि कहीं ग्रंथों में इस बात का कहीं हवाला है कि भगवान श्री राम अयोध्या में पैदा हुए हैं। सबके सब लोग चुप हो गए और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने तुरंत जवाब दिया, वेदों और उपनिषदों का इस जगह पर इस पेज पर यह कहा गया है और इतने कोस दूर पर नदी के ये सब होगा, और उसके आधार पर उसके बाद अयोध्या में श्री राम जी के जन्म भूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ होगा। ऐसे महान व्यक्ति उस कार्यक्रम में उपस्थित थे अनेकों लोग। और राकेश कंवर अभी मुझे आते हुए कह रहे थे कि अब भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने यह कह दिया है अब ऐसा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल जब भी करेंगे तो हम शिमला में ही करेंगे। और आज आपने यहां पर एक और फिल्म कॉपी हमको दी है जिसमें यह कहा गया कि ये पुस्तक मेला भी आप कोशिश करेंगे कि हमेशा शिमला में हो, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं यहां पर यानी प्रोफेसर गोविंद प्रसाद शर्मा जी और इनके निदेशक युवराज मलिक जी का धन्यवाद करता हूं जो आपने ये पुस्तक मेला यहां पर आयोजित किया है, स्वागत और अभिनंदन करता हूं। शिमला में आके आनंद करेंगे और आप सभी के जीवन में शिमला में बिताए हुए ये दिन अच्छे बीतेंगे। और अपने बच्चों, आप सभी तो हमारा भविष्य है, और हर व्यक्ति एक बात की कल्पना करता है कि मेरा भविष्य सुंदर होना चाहिए, मेरा भविष्य उज्जवल होना चाहिए, और आप में हम वो सबका सब देखते हैं। और इसलिए खूब पढ़ना, लिखना, खेलना
कूदना, नाचना, गाना, हर चीज में अव्वल होने चाहिए। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये कहा गया है कि हमने अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करनी है कि ताकि भारत दुनिया की ज्ञान महाशक्ति बने, और भारत के बच्चे ऐसे बने कि दुनिया का कोई ज्ञान ऐसा ना हो जो हमारे बच्चों को मालूम ना हो। तो इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था अपने बच्चों के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में दी गई है, जिसका भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की है। और इसमें मैं कभी कभी कुछ लोग आते हैं वो हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर उंगली उठाते हैं, लेकिन मैं एक बात देख रहा था, हिमाचल प्रदेश छोटा सा प्रदेश, 70 लाख की पॉपुलेशन, और 70 लाख की पॉपुलेशन के लिए और हिमाचल प्रदेश का ज्योग्राफिकल एरिया 55,673 स्क्वायर किलोमीटर का विशाल क्षेत्र, और इस सारे क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में लगभग 16,000 से ज्यादा स्कूल चलते हैं जहां पर हमारे लाखों बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। हिमाचल प्रदेश देश का एक वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा लोग सरकारी नौकरी करते हैं, यानी वो अच्छी पढ़ाई लिखाई के कारण से। और अगर देश की सेनाओं में देखा जाए तो जनसंख्या के अनुपात में हिमाचल प्रदेश के देश की आर्मी में सबसे ज्यादा सैनिक है, यह सौभाग्य भी हिमाचल प्रदेश को ही प्राप्त है। और हिमाचल प्रदेश देवी देवता की भूमि है और ये वीर भूमि है। कारगिल के युद्ध में देश को 4 परमवीर चक्र मिले, और उन 4 परमवीर चक्र विजेताओं में से 2 परमवीर चक्र विजेता हिमाचल प्रदेश के रहे, ऐसी वीर भूमि है। और इसलिए यहां पर हम सभी इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन के लिए बधाई भी देते हैं, धन्यवाद भी करते हैं, लेकिन यहां पर जो हमारे साहित्यकार, लेखक और प्रकाशक आए हैं उन सब का आभार भी प्रकट करता हूं, लेकिन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और बच्चों से निवेदन यही है कि सबके सब खूब अच्छा करें, अच्छा पढ़ें लिखें, लेकिन एक बात का मेरा इस पुस्तक मेले के माध्यम से सभी से आग्रह रहेगा कि हम सभी को अपने उज्जवल भविष्य के लिए और जीवन की ऊंचाइयों को छूने के लिए नशे जैसी बीमारी से दूर रहना और दूर रखना, ये सब भी हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं इतना कह तो अपनी बात को समाप्त करता हूँ, धन्यवाद। ओजस्वी भाषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आमंत्रित करते हैं निदेशक श्री युवराज मलिक जी को, जो एक कर्मयोगी है। धन्यवाद ज्ञापन हेतु आपको मंच पर सादर आमंत्रित। जय हिंद। मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा भाषा एवं संस्कृति मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर गोविंद शर्मा जी, सचिव भाषा संस्कृति राकेश कंवर जी, वरिष्ठ लेखक साहित्यकार श्री के आर भारती जी, भाषा विभाग के डायरेक्टर पंकज जी, उनकी पूरी टीम, विशिष्ट शिक्षक वर्ग, लेखक वर्ग, प्रिय छात्र छात्राओं, भाई और बहनों, मेरे लिए बहुत गर्व और हर्ष का विषय है कि आज इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में जो ऊर्जा का संचार मैं देख पा रहा हूँ, शायद ही किसी अन्य बुक फेयर में इस प्रकार का उत्साह देखने को मिलता है। इससे पहले कि मैं विधिवत रूप से सभी आयोजक समिति के लोगों का धन्यवाद करूँ, मैं 2 बात आपसे कहना चाहूँगा।
सबसे पहली बात यह है कि माननीय मंत्री जी ने जैसा बताया, उनके बारे में कहा गया कि वो कैबिनेट जैसे मुख्य विषय को छोड़कर अनुमति के बाद एक आपके बीच आने के लिए उन्होंने एक प्रयास किया और आज हमारे बीच हमारे मार्गदर्शन के लिए मौजूद है, ये बहुत कम देखने को मिलता है। इसके लिए मंत्री जी आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। दूसरी विशेष बात यह है कि किस प्रकार से भारत सरकार का एक राष्ट्रीय संस्थान और किस प्रकार से एक राज्य का दूसरा एक संस्थान या विभाग आपस में एक कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन के साथ एक भव्य कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, इसकी एक छोटी सी मिसाल इस कार्यक्रम के माध्यम से दोनों विभाग ने भाषा संस्कृति और शिक्षा हिमाचल सरकार और नेशनल बुक ट्रस्ट ने दी है और यही एक कारण है कि इस कार्यक्रम की भव्यता को एक नई ऊंचाई मिली है। इसके अलावा इस कार्यक्रम के आयोजन में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी बड़ा योगदान रहा, पूरी टीम एनबीटी का, माननीय सचिव जो भाषा संस्कृति विभाग से जुड़े हुए हैं, वे उन्हीं का एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन था, उनका जो अनकंडीशनल सपोर्ट था उसका ही परिणाम है कि हम इसको इतनी आसानी से और इतनी सरलता के साथ आपके पास लेकर। बुक फेयर तो आपने बहुत से देखे होंगे, कुछ स्टॉल लग जाती हैं, कुछ किताबों वाले आ जाते हैं, किताब बिक जाती हैं, परंतु ये बुक फेयर थोड़ा सा अलग है। ये बुक फेयर से भी एक अगले स्तर पर अगर आप देखेंगे तो ये बुक महोत्सव है। इस महोत्सव में आपको बुक की स्टॉल तो मिलेंगी ही मिलेंगी, साथ साथ साहित्यिक गतिविधियों को भी देखने का अवसर मिलेगा, उसमें पार्टिसिपेट करने का भी मौका मिलेगा। बहुत सारे लिटरेरी सेशंस होंगे, बुक रिलीज एक्टिविटीज भी होंगी और बुक जैसे विषयों पर उनके बारे में चर्चा भी की जाएगी। साथ ही साथ आपके लिए बहुत सारा सुनहरा मौका है, छात्र छात्राओं के लिए बहुत सारी प्रतिस्पर्धाएं रखी गई हैं, चाहे वो ड्राइंग कंपटीशन हो, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन हो, स्लोगन राइटिंग कंपटीशन हो, ड्राइंग कंपटीशन हो या ओपन माइक कंपटीशन हो, जिसमें आप अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं। आप अच्छी देशभक्ति की कविता गा सकते हैं, देशभक्ति का गीत गा सकते हैं जो देश को समर्पित हो, आज़ादी के अमृत महोत्सव से संबंध रखता हो। तो इस जो एक पूरी परिकल्पना को, जो गतिविधियों को किताबों और साहित्य के साथ साथ जोड़ने का एक प्रयास है, बाहर एमपी थिएटर में उसके लिए ओपन माइक अरेंजमेंट्स है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बहुत से अवार्ड भी जीत सकते हैं। तो अगले 9 दिन बहुत रोमांचक होने वाले हैं, आप जरूर अपने मित्रों को, अपने साथियों को, स्कूल टीचर सबको आप लेके आए, अपने टैलेंट को शो करें, पार्टिसिपेट करें, ये ओपन फोरम है और आप जरूर उसमें आप किताब के रूप में अवार्ड जीत सकते हैं। एक और छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा विशेष रूप से कि अगर आप छात्र हैं तो आप अपना आई कार्ड लेके आएँ, आपको 10% की छूट तुरंत दी जाएगी। और अगर आप अपने स्कूल के डेलीगेशन के तौर पर स्कूल की ड्रेस पहन के आएंगे और स्कूल के डेलीगेशन के तौर पर आएंगे तो आपको हमारी ओर से 20% की छूट दी जाएगी, इसका भी आप बहुत बहुत फायदा उठा सकते हैं। आज पुस्तक मेला यहाँ हो रहा है, कल्चरल एक्टिविटीज भी होंगी, लेकिन साथ साथ जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए, चंबा, किन्नौर, दूर दूर दराज के इलाकों, लाहौल स्पीति, जैसा कि कहा गया कि हिमालय नहीं आ सकता तो हिमालय के पास हमें जाना है, तो वहां पर भी हमारी मोबाइल एग्जीबिशन वैन बुक एग्जीबिशन के तौर पर ऑलरेडी पिछले कुछ दिनों से प्रयासरत है, जो गांव-गांव और ब्लॉक और जिला स्तर पर अपनी एग्जीबिशन पर बुक फेयर को आयोजित किया, आप इसको देख भी सकते हैं। इसके बाद लाहौल में भी जाएंगे, स्पीति भी जाएंगे, किन्नौर भी जाएंगे और कुल्लू में भी जाएंगे। सिर्फ बुक फेयर ही नहीं, आपको खुशी होगी कि पिछले हमने जो कोविड काल में हमने 9 लाइब्रेरी कुल्लू क्षेत्र में जिला प्रशासन के सहयोग से डेवलप की हैं, जिसमें बुक को भी डोनेट किया गया है और आसपास के बच्चों को बुक पढ़ने के लिए प्रेरित करने का हमारा एक प्रयास है, जो हमारा मैंडेट भी है और हम उसमें लगातार प्रयासरत हैं। एक छोटी सी बात है कि जब टीचर पढ़ाता है या बोलता है कि ये बहुत ऑर्डिनरी बच्चा है और ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये एक्स्ट्रा क्या है, कभी इसकी आप परिकल्पना करेंगे तो ये एक्स्ट्रा उसका नॉलेज की पावर है, ज्ञान की शक्ति है। बड़ी बड़ी इमारतें बना के भारत विश्वगुरु नहीं था, विश्वगुरु भारत बड़े अच्छे शैक्षणिक संस्थानों से था, ज्ञान की ताकत से था, वेदों और उपनिषदों का जो हमारा भंडार था उनकी ताकत से था। हम सबसे बड़ी सभ्यता क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास 5000 साल पुराना रिकॉर्ड है, हम कह सकते हैं कि हम ज्ञान में कितने आगे थे। कौन सा दुनिया का देश 5000 साल पुरानी सभ्यता के रिकॉर्ड पैदा कर सकता है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि जैसा मंत्री जी ने कहा कि पुस्तकें आपके मित्र हैं, आप अपने मित्र के साथ आए हैं लेकिन जब वापस जाएं तो एक मित्र और लेके जाएं। और दूसरी बात, आप एक नई परंपरा भी शुरू कर सकते हैं, जब भी आपका जन्मदिन हो
आप 1,500 रुपए की पार्टी पिकनिक करते हैं, एक 10 रुपए 50 रुपए 100 रुपए की किताब खरीदें, अपना नाम लिखें, तारीख लिखें और जन्मदिन तिथि लिखें और अपने स्कूल की लाइब्रेरी को गिफ्ट करें या अपने मित्र को गिफ्ट करें। 20-50 साल बाद आप माननीय मंत्री होंगे, शिक्षा सचिव होंगे या अध्यक्ष होंगे या कुछ और होंगे, जब आप अपने स्कूल आएंगे तो एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट आप वहां पाएंगे और आपको बहुत हर्ष और गौरव का विषय महसूस होगा। सवाल सिर्फ एक किताब 50 रुपए का नहीं है, सवाल ये है कि उस किताब को जिसको आप जो आपको अच्छी लगी, वो किसी भी कीमत की हो सकती है, किसी भी विषय पे हो सकती है, जब आप उसको वहां रखेंगे आपके जाने के बाद आपकी नई जनरेशन स्कूल की कॉलेज की पीढ़ी उसको पढ़ेगी उठाएगी और किसी न किसी दिन वो किताब उसका जीवन बदल देगी। वन बुक कैन चेंज योर लाइफ, वन बुक कैन चेंज योर आइडियाज, सो प्लीज पिकअप एनी बुक। मालूम नहीं वो कौन सी किताब है जो आपका जीवन बदलेगी, तो आप जब 5 दिन भ्रमण करेंगे तो देखिए, आनंद लीजिए, मेले का भी आनंद लीजिए और कुछ न कुछ अपने लिए किताब अवश्य ढूंढिएगा और इस ज्ञान की ताकत को अपने साथ जीवन में जोड़िएगा। अंत में अपनी बात को बहुत संक्षेप में कहते हुए, जैसा कि सर ने कहा, हमें बहुत सहयोग मिला पूरी टीम का, मीडिया कर्मियों का, विभाग का, मंत्रालय का, जिला प्रशासन का, स्कूलों का, टीचर्स का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो कोलैबोरेशन मिली उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अंत में ये मैं कहूँगा कि देयर इज नो ग्रेटर जॉय देन रीडिंग एंड देयर इज नो मोर पावरफुल थिंग इन नॉलेज। ज्ञान से बड़ी कोई ताकत नहीं है और पढ़ने से बड़ा कोई आनंद नहीं है। इसका छोटा सा उदाहरण है, जब आप मोबाइल में बैठते हैं 2 घंटे फेसबुक ट्विटर और इस सब पे जब टाइम रख के फोन रखते हैं तो आपको एक फीलिंग आती है जिसको कहते हैं गिल्ट फीलिंग। आपको कभी गिल्ट फीलिंग, किताब पूरी किताब उठाइए उसको पढ़ डालिए और सुबह जब उसको रखेंगे आप 4 बजे सोएंगे तो कभी गिल्ट फीलिंग नहीं आएगी। तो इस आनंद के अनुभव को जीवन में एक बार जरूर लीजिए, जिसमें आप गैजेट से जो गिल्ट फील करते हैं उसको महसूस करिए और किताब को पढ़ने के बाद जो आनंद की अनुभूति है और जो एम्पावरमेंट सशक्तिकरण का जो भाव पैदा होता है उसका आनंद लीजिए, फिर आपको जो अच्छा लगे उसको आप यूज करिए। हमारा प्रयास है कि किताबें आप तक पहुंचाएं, सस्ते रेट पे पहुंचाएं, हर आयु वर्ग को पहुंचाएं, हर भाषा में पहुंचाएं, सस्ते से सस्ते दामों पर पहुंचाएं और आनंद के साथ पहुंचाएं, ताकि आपका व्यक्तित्व निर्माण भी हो, आपका चरित्र निर्माण भी हो, हम समाज निर्माण भी कर पाए और राष्ट्र निर्माण में भी अपनी भूमिका दे पाए। इसी प्रयास के साथ राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, जो पिछले 65 वर्षों से जिस प्रयास में प्रयासरत है, उसकी भूमिका में आपका योगदान ये है कि जब आप एक अच्छे पाठक के तौर पर उन किताबों का आनंद लेंगे, हमें बहुत गौरव और हर्ष का अनुभव होगा। इसी परिकल्पना के साथ इस बुक फेयर को, इस पुस्तक महोत्सव को आप सफल बनाइएगा और ये सफल तब होगा जब आप कम से कम एक छात्र 5 बच्चों को मोटिवेट करेगा कि उसको यहाँ आना है, भ्रमण करना है, बाकी सब बात की बात है, वो यहाँ आएगा तो हमारा प्रयास सफल होगा। इसी कल्पना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। किताबों का ये उत्सव देवभूमि में अनवरत चलता रहे, वाद प्रतिवाद और संवाद हमेशा होता रहे, शब्द की धार तलवार की धार से ज़्यादा तेज होती है और हमेशा बरकरार रहती है। बच्चों को अपने कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाभ मिलता है और अपने सिलेबस के अलावा और चीज़ें पढ़ने के लिए मिलता है। और अभी जो यहाँ पर कहा गया है कि भाई हम मोबाइल वैन इत्यादि के द्वारा भी ऐसे पुस्तक मेलों का आयोजन, और निश्चित रूप से हम इसमें और भी विचार करेंगे कि ऐसे पुस्तक मेले लगभग प्रदेश के हर क्षेत्र में होने चाहिए, जिससे कि वहाँ के बच्चों को और वहाँ के जो लेखक साहित्यकार उनको लाभ मिले। पोर्टमोर स्कूल के yes, sir. कितने परसेंट थे उनके? 97. पोर्टमोर ही पोर्टमोर है सब।
बहुत बुरी किताबें।